₹5 की वैसलीन से क्या गाड़ी का डैशबोर्ड शाइन किया जा सकता है नहीं, इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग के पास एक गाड़ी नहीं है, मल्टीपल गाड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पॉलिश करने के लिए वैसलीन यूज कर सकते हो या नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जब भी आपको गाड़ी को शाइन करना है तो उससे पहले हमको वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल गंदा डैशबोर्ड लिया हम लोगों ने, बिल्कुल इसे वॉश नहीं किया। आपके सामने दिखाने वाले हैं ये बिल्कुल जैसा डैशबोर्ड आता है। ये गाड़ी 2014 की है, 7 साल पुरानी है। गाड़ी का डैशबोर्ड प्रॉपर तरीके से फेड हो चुका है। तो अब इसमें क्या ये वैसलीन काम करेगी या नहीं, चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, सबसे पहले इसे वॉश करते हैं। ये देखो कुछ इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा गंदी है, जानबूझ के हम लोगों ने बिल्कुल भी इसे नहीं धुला। आपके सामने यहाँ पर करते हैं, पानी लगने पे ब्लैक लग रहा है, लेकिन सूख जाने दो, वापस फेड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक्टिवा 5G, ये एक्टिवा 6G। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल गाड़ी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर कंपनी अलग मटेरियल यूज़ करती है, क्वालिटी अलग रहती है और हर वेरियंट में थोड़ा सा आपको मटेरियल में चेंजेस देखने मिलते हैं। एक्टिवा का सबसे ज़्यादा पेड़ है क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरानी गाड़ी यही है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर अप्लाई करते हैं, वैसलीन को सीधा ऐसे डाल ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जेली फॉर्म में। ओके, तो इसे हम लोग घिस देते हैं, लगा के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पार्ट गाड़ी का छोड़ देंगे ताकि आपको बता पाएँ कि पहले कैसा था और अब कैसा था, ताकि आप डिफ्रेंस डायरेक्ट देख पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम लोग जब पॉलिश कर चुके हैं तो इसे हम लोग नॉर्मल कपड़े से रब कर देते हैं। देखो अब आप लोग के कमेंट बहुत सारे आते हैं कि भैया रेनी सीजन में अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो पूरा बेकार हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग रेनी सीजन वाला टेस्ट करने वाले हैं, यानी पानी स्प्रे करेंगे। अब यहाँ पर वीगो में भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, पहले वाला कुछ ऐसा था, नया वाला कुछ ऐसा है। अब कहते हैं यहाँ पर वाटर टेस्ट, पानी का यहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा, इवन पानी की जो बूंदें हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टिक ही नहीं हो पा रही हैं। तो आप देख सकते हो नॉर्मली अगर आप इसे वाइप करोगे इजीली वाइप हो जाएगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैसलीन लगी, इसलिए यहाँ पर इसके जो बूंदें हैं प्रॉपर तरीके से स्टिक नहीं हो रही हैं। बट वहीं यहाँ पर जहाँ पर नहीं लगा वहाँ पर अगर आप इस पर करोगे तो बूंद प्रॉपर तरीके से स्टिक हो जा रही हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आती है होंडा एक्टिवा 6G, और यहाँ पर होंडा एक्टिवा में देख सकते हो आप कुछ इस टाइप से वर्किंग है, देख सकते हो होंडा एक्टिवा में यहाँ पर वर्क कर रहा है और ये सबसे पुराना अवतार है। पहले देख लो भैया कैसा कलर था, कुछ इस टाइप का कलर था, पहले इस टाइप के कलर को कुछ इस टाइप का बना दिया है। इन सब रिजल्ट्स को देख के हम लोग को समझ में आया कि ये पुरानी एक्टिवा हो चाहे नई एक्टिवा हो, TVS जुपिटर हो चाहे वीगो हो, तभी स्कूटर्स में डैशबोर्ड के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है यहाँ पर ₹5 का वैसलीन। अब आप लोग का एक कॉमन सा क्वेश्चन आएगा, भैया यहाँ पे ₹5 की आती है, ₹1 कहाँ से लिख दिया थंबनेल में? तो भैया ₹1 कैसे है वो भी बता देते हैं। इस एक वैसलीन जो ₹5 की आती है उससे हम लोगों ने 5 गाड़ियों को शाइन कर लिया, उसके बाद भी वैसलीन बची हुई है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैसलीन से आप 5 गाड़ियों के डैशबोर्ड यानी एक गाड़ी को 5 बार शाइन कर सकते हो। तो भैया ₹1 में गाड़ी को शाइन करना तो जरूर बनता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है।